Very good morning, dear student. Welcome to your physics class. Today we are just going to explain the inertia. तो सबसे पहले चलते हैं inertia की definition की तरफ. देखिए हमने क्या लिखा है. It is defined as the inability. क्या है बेटा? It is defined as the inability. Inability का मतलब क्षमता ना होना, अक्षमता of a body to change by itself its state of rest or uniform motion. और डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट? तो इनर्शिया समझिए. इनर्शिया को अगर हम हिंदी में बात करें, जड़त्व बोलते हैं. तो हिंदी में अगर हम बात करें जड़त्व की और इंग्लिश में बात करते हैं इनर्शिया की, कि देखिए अगर आप समझिए कि किसी मान लीजिए आपके घर में एक पौधा है, छोटा सा पौधा, और मैं आपको कहूँ कि आपको उखाड़ के लेके आना है, तो इट्स वेरी इजी टू यू कि आप उसको उखाड़ के ला सकते हैं. लेकिन अगर आपके आसपास कोई नीम का पेड़ हो या कोई बड़ा पेड़ हो, तो आपको मैं कहूँ कि उसको उखाड़ के लाओ, तो इट इज इम्पॉसिबल टू ऑल ऑफ यू. क्यों? क्योंकि देखिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है. इसका मतलब क्या हुआ? उसको हिलाने में, उसको उखाड़ने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है. तो इनर्शिया भी इसी कंसेप्ट से उठ के आया बेटा. यहाँ पर इनर्शिया हमने क्या बोला कि इनर्शिया क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी. इनएबिलिटी मतलब अक्षमता ऑफ अ बॉडी बाय इटसेल्फ, कि कोई भी बॉडी अपने आप को स्वयं चेंज नहीं कर सकती. क्या चेंज नहीं कर सकती? स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन या डायरेक्शन. आप समझिए कि किसी टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, किसी टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, उस बुक को अगर हम एक साल तक ना हिलाएं तो उसकी स्टेट क्या रहेगी बेटा? उतने की उतनी रहेगी. यानी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होने वाली, राइट बेटा? उसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी. उसी प्रकार से अगर कोई साइकिल है, वो सीधा चल रहा है, तो वो सीधा ही चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो. तो इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनएबिलिटी है, अक्षमता है किसी भी बॉडी की बाय इटसेल्फ. यानी वो खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकती, खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकती. मतलब ना ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है खुद, ना अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है खुद, और ना ही यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकती है. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, इसको समझिए. 5 किलोग्राम का मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर स्मॉल एफ फोर्स लगाई. उसके बाद मैंने 10 किलोग्राम का फोर्स ऑब्जेक्ट रखा, उसके ऊपर मैंने कैपिटल एफ लगाई. तो आप समझिए कि 10 किलोग्राम को हिलाने के लिए आई हैव टू अप्लाइड मोर फोर्स, और अगर हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट है उसको लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक छोटा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा? मान लीजिए ये फोर्स है एफ, इससे छोटा फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी नहीं हिलेगी. उसी प्रकार से कैपिटल एफ से छोटा फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी नहीं हिल पाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम ये बात कर सकते हैं, इनर्शिया जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं. तो हम बात कर रहे थे यहां पर इनर्शिया की. तो इनर्शिया बेसिकली हम फोर्स के मैग्नीट्यूड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमने साथ में लिखा जितना ज्यादा मास होगा बेटा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, राइट बेटा? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. ठीक, अब इनर्शिया की टाइप है बेटा, 3 टाइप हमारे पास सामने आती है. एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन है, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया के बेस पे कंसेप्चुअल आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, न्यूमेरिकल इस पे बेस पे नहीं होता, ओनली कंसेप्चुअल. तो कंसेप्चुअल इसके आप जरूर पढ़िएगा, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको इसमें. तो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो समझिए इसको, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती. माई मीन टू से कोई भी बॉडी अगर आपके पास है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती. जैसे बुक पड़ी है आपकी टेबल पे तो वो पड़ी ही रहेगी, साल बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, लेकिन वो वहीं की वहीं रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर लिया जाए. तो इस प्रकार के इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं. तो आइए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं. मैंने क्या लिखा है? When a bus or train starts suddenly, जैसी बस स्टार्ट होती है या ट्रेन स्टार्ट होती है, एक झटका लगता है, जो पर्सन उसके अंदर बैठा होता है वो आगे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, आगे की तरफ झुकता है. वो क्यों झुकता है, क्यों गिरता है? क्योंकि जो उसकी बॉडी है, उसका लोअर पार्ट जो है, उसका फीट जो है बेटा, वो क्या होते हैं? वो स्टार्ट कर देते हैं ट्रेन के साथ चलना. क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे पहले सिग्नल कहां पर जाएगा? आपकी फीट पे जाएगा. तो फीट उसी टाइम चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है वो अभी भी क्या है? रेस्ट पे है. क्लियर? अभी भी क्या है बेटा? वो रेस्ट पे है. तो क्या हुआ? अपर पार्ट जो है वो रिमेन एट रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा. क्लियर? अपर पार्ट क्या होगा?
क्या होगा, वो बैकवर्ड जाएगा, समझ रहे हो, बैकवर्ड जाएगा, सॉरी मैंने फॉरवर्ड बोला, वो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है। मान लीजिए ट्रेन 2 स्टेप आगे चलती है और हमें रेस्ट पे रहना है, तो हम 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा तभी तो रेस्ट पे रहेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमने एग्जांपल समझा। फिर है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी बोल देते हैं बेटा, तो समझिएगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रेन, कभी आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी बस से चलती बस से छलांग लगाते हैं नीचे की तरफ, जल्दबाजी में उतरते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए बस तो चलती हुई है, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है और हम उसमें से उतरते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे फीट हैं वो ग्राउंड पे आते हैं, तो फीट तो हमारे बस के अंदर भी क्या थे, रेस्ट पे थे, हिल नहीं रहे थे, वो अटैच थे, ठीक है, तो हमारे जो ग्राउंड है उस पर फीट आ गए तो हमारे रेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अपर पार्ट जो हमारा वो बस के साथ चल रहा है, तो सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है हमारे मस्तिष्क तक, तो हमारा जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ गिरने की कोशिश करता है, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं, राइट बेटा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई चीज सीधी चल रही है बेटा, वो सीधी चलती जाएगी, लेकिन बीच में आपने उसको हिट किया तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनएबिलिटी है किसी भी बॉडी की, अगर वो सीधी चल रही है तो सीधी चलती जाएगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, उसकी डायरेक्शन चेंज ना करे, राइट बेटा, यहां तक क्लियर। तो इसमें क्या एग्जांपल लिया हमने, व्हेन अ कार टर्न्स अराउंड अ सर्कल, एक कार जब सीधी जाते जाते एकदम से सर्कल के अराउंड घूमने की कोशिश करती है, जो पर्सन उसके बीच में बैठा है वो आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है, क्योंकि कार जब हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो हमारा मोशन है वो अनवर्ड होता है, ठीक है, हमें रहना है बीच में, कार के बीच में हम रेस्ट पे हैं, क्लियर, तो हमें अंदर की तरफ एक झटका लगा तो हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ गिरना पड़ेगा, यानी बाहर की तरफ हमें झुकना पड़ेगा ताकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट उसके अंदर इंक्लूड रहे, राइट बेटा, तो आपको इसको समझना है। लास्ट टॉपिक है इसके आज का, लीनियर मोमेंटम, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसा क्यों लिया गया, पहले तो इसका बेसिक समझिए। मान लीजिए एक ट्रक है, वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है और आपको हिट करता है तो आपको चोट लगेगी, राइट, आपको चोट लगेगी, क्लियर। और अगर एक बुलेट है, एक छोटी सी बुलेट, उसको 50 मीटर पर सेकंड की उससे फायर किया जाए तो क्या आपको चोट लगेगी, तो आंसर होगा यस, दोनों ही केस में हमें चोट लगती है। तो देखिए पहले वाले केस में मास ज्यादा था तो चोट लगी, दूसरे वाले केस में बुलेट बहुत छोटी होती है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है तब भी चोट लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मास और वेलोसिटी को जब एक कंबाइन करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम बेसिकली हमें क्या देती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन दी बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मास हो, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जो हमारा मोमेंटम है मैथमेटिकली उसको हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू एम गुना में वी, वेयर पी क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम। लीनियर शब्द क्यों यूज किया गया बेटा यहां पर, लीनियर वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया गया है, लीनियर का मतलब आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में है स्ट्रेट मोशन, तो डेट्स व्हाई हम क्या लेते हैं, लीनियर मोशन लेते हैं, तो लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं। अगर सर्कुलर मोशन होता तो एंगुलर मोमेंटम होता, वो बड़ी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया जाएगा, यहां पर केवल स्ट्रेट मोशन है तो डेट्स व्हाई वी आर टेकिंग लीनियर मोमेंटम। एम क्या है, मास ऑफ दी बॉडी है, मास क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन दी बॉडी। वी क्या है यहां पर, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ध्यान से, वेलोसिटी है, ठीक। अब नेचर कैसा है इसका, लीनियर मोमेंटम का, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इसकी एसए यूनिट क्या है, देखिए मास किलोग्राम में होता है और वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में, राइट। तो ये चीजें आपको आज समझनी है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अगर मास जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये जीरो पुट किया तो पी कितना हो जाएगा, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तब भी पी कितना हो जाएगा, जीरो। अगर आपकी दोनों चीजें जीरो हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, P इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो बेटा ये आज का लेक्चर है, इसको आप रीड डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और अगर आप चाहते हैं इसकी PDF तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मैं शेयर कर रहा हूं, उससे आपके ये पेजेस भी आप अपलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट बेटा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।